रसूल क्यामत के दिन जब देखेगा हमारी नाफरमानियां तो कहेगा या रब इन कौम इत्तखजू हाज़ल कुरान महजूरा, ए मेरे मौला यही है मेरी वो उम्मत जिसने मेरे कुरान को छोड़ दिया, मेरे कुरान ने पुकारा मस्जिद में आओ, इन्होंने मस्जिदों की राहें छोड़ दी। मुझे बताओ ये इतना मजमा कहां से आ गया है, ये इसमें से एक तिहाई बाहर से आया होगा, ये दो तिहाई तो सारा गुलिस्तान कॉलोनी का है, इनके कदम बाकी पांच नमाजों में क्यों नहीं उठते, ये कहां चले जाते हैं, क्या ये अल्लाह की धरती पे आठ दिन नहीं रहते, क्या ये सिर्फ आठवें दिन अल्लाह का रिस्क खाते हैं, क्या ये सिर्फ आठवें दिन अल्लाह का पानी पीते हैं, ये कहां चले जाते हैं, क्या ये अल्लाह की धरती पे आठ दिन नहीं रहते, क्या ये सिर्फ आठवें दिन अल्लाह का रिस्क खाते हैं, क्या ये सिर्फ आठवें दिन अल्लाह का पानी पीते हैं, क्या ये सिर्फ आठवें दिन अल्लाह की हवा के तनों तन अपने फेफड़ों में ले जाते हैं, क्या ये सिर्फ आठवें दिन अल्लाह के दिव्य नूर से देखते हैं, क्या ये सिर्फ आठवें दिन अपने कानों से सुनते हैं, क्या ये सिर्फ आठवें दिन अपने जिस्म की नेमतों से फायदा उठाते हैं, क्या ये सिर्फ आठवें दिन सूरज की रोशनी से नफा उठाते हैं, क्या ये सिर्फ आठवें दिन तारों की झिलमिलाहट से नफा उठाते हैं, क्या ये सिर्फ आठवें दिन अपने बी बच्चों के साथ बैठते हैं, इस पत्थर दिल को क्या हुआ, क्यों नहीं इसके दरवाजे पे दस्तक पहुंचती, ये क्यों वीरान हो गए, ऐसे तो पत्थर भी सख्त नहीं। अताउल्लाह शाह बुखारी कहा करते थे, ए हिंदुस्तान वालों तुम्हें इतना कुरान सुनाया कि मैं सरसर को सुनाता तो सबा बन जाती, मैं पत्थरों को सुनाता तो मोम हो जाते, मैं दरियाओं को सुनाता तो तूफान थम जाते, और मैं मौजों को सुनाता तो उनकी तुगयानी रुक जाती, पता नहीं तुम किस मखलूक किस चीज से बने हो, किस खमीर से बने हो, तुम्हारे सीनों में दिल नहीं है, पत्थर हैं, और पत्थर से भी ज्यादा कोई सख्त है, अशद्द कसवतन मिनल हिजारा, पत्थर भी अल्लाह की हैबत से लरसता है और कांपता है, पर तुम कौन से इंसान हो, कैसे सीनों में दिल लिए फिरते हो कि पांच दफा इतना बड़ा बादशाह तुम्हें पुकारे, हैया अला सला हैया अला सला, एक थानेदार पुकारे गुलिस्तान कॉलोनी का कि तुम्हारा समन है आ जाओ तो सर पे पांव रख के भागे, डीसी पुकारे तो काम छोड़ के भागे, और तुम्हारा जमीन आसमान का बादशाह तुम्हें दिन में पांच दफा पुकारे और कानों पे जूना रेंगे और आठवें दिन मस्जिद को आ रहे हो, क्या आठवें दिन खाना खाया है, क्या आज ही पानी पिया है, क्या आज ही चाय पी है, ये ऐसी जफा अपने आप से करते, शैतान से करते, मुल्क माल से करते, अपनी दुकानों से करते, ये बेवफाई अल्लाह से क्यों की हुई है, जिस जमीन पे सजदा ना अदा हो, इससे बड़ा भी कोई जुर्म है, जिना करने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना जिना से बड़ा जुर्म है, रिश्वत खाने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना रिश्वत खाने से बड़ा जुर्म है, कत्ल करना बड़ा गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना कत्ल से बड़ा जुर्म है, सजदे ही का तो इनकार किया था शैतान ने, शैतान ने कोई जिना किया था, कोई कत्ल किया था, कोई शराब पी थी, कोई जुआ खेला था, क्या किया था, कोई शिर्क किया था, शैतान सजदे का इनकारी हुआ, एक सजदे का इनकार करके वो हमेशा के लिए मर्दूद हो गया, उस मुसलमान को होश नहीं है जो रोजाना दिन में पांच दफा बीसियों सजदों का इनकार किए बैठा हुआ है, और फिर आराम से रोटी खाता है, आराम से चाय पीता है, और आराम से कह कह लगाता है, और आराम से अखबार पढ़ता है, आराम से बीवी के पहलू में लेटता है, एक सजदे का इनकार होकर शैतान हमेशा के लिए मर्दूद हुआ, जिसने फजर का इनकार किया सजदों का, फिर जोहर के सजदों का मजाक उड़ाया, फिर असर का मजाक उड़ाया, फिर मगरिब और इशा का मजाक उड़ाया, घर में नमाज पढ़ना भी चलो ना पढ़ने से तो बेहतर है, पर यह भी नमाज का मजाक ही है, और आठवें दिन सर पे टोपी रख के आया, आठ दिन जिसने इतने सजदों का इनकार किया वो इस बात से नहीं डरता कि कहीं अल्लाह उसे मर्दूद न कर दे, तो क्या होगा उस दिन जब जिन बच्चों की खातिर या जिस नफ्स की खातिर अल्लाह के बगावत की कि उठा नहीं जाता, आया नहीं जाता, गर्मी बड़ी है, सर्दी बड़ी है, अंधेरा बहुत है,
क्या कब्र के अंधेरे याद नहीं हैं? क्या कब्र की गर्मी याद नहीं है? क्या जहन्नुम की आग भूल गए? क्या जहन्नुम के अजाब भूल गए? क्या जन्नत की नेमतें भूल गए? वो अल्लाह का कलाम भूल गए? वो अल्लाह का दीदार भूल गए? वो अल्लाह से मुलाकात भूल गए? वो महबूब खुदा की महफिल भूल गए? ये कैसा इस्लाम है? ये कैसे पत्थर दिल हैं जो कमाने में तो ऐसे मस्त हुए कि होश नहीं, और जब अल्लाह बुलाए तो ऐसे गाफिल हो जाएं। ना बूढ़े पर जूरेंगे, ना जवान को होश आए, ना किसी औरत को होश आए, ना किसी मर्द को होश आए, ना बाजार बंद हो। अरे मेरे भाइयों, हुकूमत से पैसा बचाने के लिए हड़तालें की, 20-20 दिन बाजार न खोले, नमाज के लिए अगर दुकानें बंद करते तो आज अल्लाह ताला आपको हर जालिम से बाहर निकाल देता। कोई जालिम ना आपके माल पे हाथ डालता, ना आपकी इज्जत और आबरू पे हाथ डालता। दिन दहाड़े डाके पड़े, क्यों पड़े कि हम बागी हो गए, हमने अल्लाह से बगावत कर दी। क्या जुमे के दिन सिर्फ अल्लाह बुलाता है? ये जुमे में इतने क्यों आते हैं और बाकी दिनों में क्यों नहीं आते? ये कैसी वफा है? और ऐसा वफाओं वाला अल्लाह कि जमीन बोले अल्लाह इजाजत दे मैं गुलिस्तान कॉलोनी को निगल जाऊं, समंदर बोले मौला इजाजत दे हम चढ़ जाएं, फरिश्ते बोले अल्लाह इजाजत दे हमें हलाक कर दें, और जिसके सजदे का इनकार हुआ पड़ा, जिसका आठों बाजारों में जिसकी शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा, वो जिसकी गैरत खुद जोश में आ रही कि ये मेरे बने हुए, गंदे पानी के बने हुए, नुतफे से बने हुए, मेरी गिजा खाकर, मेरा रिस्क खाकर, मेरी हवाओं से जिंदा, मेरे पानियों से जिंदा, मेरी रोटी से जिंदा, मेरे दिए हुए गोश्त से जिंदा, मेरे दिए हुए निजाम से जिंदा, ये मेरे ही मुनकिर बन गए। 1500 रुपए का मुलाजिम आपको चाय की प्याली न दे तो आप कहते चल छुट्टी कर, हम कोई और रखेंगे। और जिसने इतना बड़ा वजूद बख्शा, आंखों में चराग जलाए, कानों में फोन लगाए, दिमाग में बरकी रोएं दौड़ाई, दिल को धड़काया, सारे बदन के तक खून पहुंचाने का निजाम चलाया, फेफड़ों की फैक्ट्रियां चलाई, रगों में खून पहुंचाया, हड्डियों को गिजा पहुंचाई, और आंखों को गिजा पहुंचाई, बालों को गिजा पहुंचाई, जबान को बोलने की ताकत दी, दांतों को काटने की ताकत दी, दो वहां नालियां लगाई, सांस की अलग कर दी और मैदे की अलग कर दी, और वहां पर्दा लगाया जो गिजा मुंह में जाए तो मैदा खुल जाए और फेफड़े की तरफ जाने वाली नाली रुक जाए। जो अल्लाह इतनी हिफाजत करे कि आपका लुकमा आपके मैदे में जाए, वो दो ही तो यूं साथ हैं बिल्कुल यूं एक साथ, और वो अल्लाह इतनी ताकत वाला कि सांस की नाली बंद करे और मैदे की नाली का मुंह खोले और गिजा को मुंह में से गुजार कर वो मैदे में पहुंचाए, फिर एक जबरदस्त ताकतवर निजाम चलाए, उसको तोड़ के आंतों में पहुंचाए, फिर करोड़ों किस्म की फैक्ट्रियों को हरकत दे और उसमें से खून को खींचे, गिजाओं को खींचे, फेफड़े को गिजा, खून को गिजा, खून खुद गिजा लेके चल रहा, आंतों को गिजा, दिमाग को गिजा, हड्डियों को गिजा, नाखून को गिजा, एक नाखून खींच ले तो हम क्या करें? क्या मेरे मौला का निजाम है? ये हमारा कब्रिस्तान है, मुर्दा सेल बाहर निकल रहे और नाखून की शक्ल में बाहर आ रहे, फिर आगे जाके और सख्त हो रहे, थोड़ा सा नाखून ज्यादा कट गया, सारा दिन सीसी करता है, सारा दिन हाय हाय करता है, यही नाखून मेरा रब खींच ले तो हम तो एक नाखून का शुक्र अदा नहीं कर सकते, ये जोड़ बना दिए सीधा कर दे तो हम इसी का शुक्र अदा नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, ये सब कुछ करके फिर हम अल्लाह के बागी हो जाएं, है कोई अकल में आने वाली बात? है कोई सोच विचार की बात कि 1500 सिर्फ दिए और उसने चाय की प्याली ना दी तो निकाल दिया, उसने ग्राहक को डील नहीं किया तो निकाल दिया, और ये वजूद कहां से खरीद के लाए? ये जमीन किसने बिछा के दी? वल अर्द वदअहा लिल अनाम, ए मेरे बंदो, मैंने ही तो तुम्हें बना के दी।